सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ स्मार्टी चूरा। इन केस अभी सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, डेबिट कार्ड से कितना मिलेगा, क्रेडिट कार्ड से कितना मिलेगा एंड दोनों कार्ड से कितना डिस्काउंट मिलेगा और आईफोन 13 की फाइनल प्राइस क्या होगी। अगर आपके पास कुछ एक चीज़ नहीं है या फिर आप एक्सचेंज नहीं करने वाले हो तो सब डाउट क्लियर करने वाला हूँ। फिलहाल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, 10K करने हैं जल्दी से। एंड यहाँ पर देखो ऑफिशियल प्राइस जो है गाइस आईफोन 13 की जो डील प्राइस बताई जा रही है 3999, ठीक है ना, 39999 मिल जाएगा आपको। बट ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा आपको, नीचे दिख रहा होगा गाइस यहाँ पर कि SBI कार्ड डेबिट कार्ड लिखा हुआ है एंड SBI कार्ड लिखा हुआ है एंड लिखा हुआ है उसके बगल में 10% इंस्टेंट डिस्काउंट विद SBI डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो दोनों कार्ड पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना, अगर चाहे आपके पास SBI का डेबिट कार्ड हो चाहे आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड हो। नेक्स्ट गाइस क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपको अगर ICICI कार्ड है तो उस पर भी डिस्काउंट मिल सकते हैं एंड गुप्त कूपन्स भी अप्लाई हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट गाइस SBI के कार्ड पे आपको डिस्काउंट मिलने वाले हैं, पहली बात है। नेक्स्ट उसके नीचे अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पर ऑफिशियल प्राइस दिखेगी, ठीक है, जो गाइस बताई जा रही है। देखो क्या है, कैसे मिलेगा डिस्काउंट, 59990 का गाइस ऑफिशियल प्राइस है जो कि ओरिजिनल प्राइस है फ़ोन का अभी चल रहा है जो 2023 में। और गाइस डील प्राइस जो गाइस सेल के टाइम प्राइस रहेगी 45999 की रहेगी, तो गाइस सेल में आपको इतने का मिलेगा। बट SBI के कार्ड से आपको 2500 डिस्काउंट मिलेगा अगर आपके पास कार्ड है तब, वरना ऐसे आपके लिए 46 की रह जाएगी, ठीक है ना, 46 में आपको खरीदना पड़ेगा अगर आप SBI कार्ड से नहीं लेते हो तो। और अगर आप कोई फ़ोन एक्सचेंज करते हो तो आपको यहाँ पर 3500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तब जाकर दोनों अगर डिस्काउंट अगर आप लेते हो तब जाकर गाइस आपको मिलेगा 39999 का। वरना गाइस अगर आपके पास एक भी चीज़ नहीं होती है तो आपको 46 का पड़ेगा, एक भी चीज़ होती है लाइक जैसे कि SBI डेबिट कार्ड है आपके पास, क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो 43500 का पड़ेगा। अगर आप कोई फ़ोन एक्सचेंज करते हो तो समझ लो कितने का पड़ेगा, वो आप कमेंट में बताओ। सो फिलहाल गाइस मैंने दिखा दिया कि कितने का पड़ेगा, मतलब पूरा प्राइस आपको अगर एक चीज़ भी नहीं होता है। फिलहाल आप कमेंट में ये बताओ कि अगर आप एक्सचेंज नहीं करोगे तो कितने का मिलेगा फ़ोन एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आपके ऊपर काम मैंने छोड़ दिया कि कितने का मिलेगा अगर आप एक्सचेंज नहीं करोगे तो, जल्दी करो।